हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सी ए मतलब करेक्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपना ई श्रम कार्ड खुद से ही अपने मोबाइल पे कैसे डाउनलोड करें। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ दो बातों को ध्यान में रखना है। एक, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या तो आधार का नंबर भी यदि आपको याद है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और दूसरा, आपका मोबाइल नंबर जो है आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ताकि ई श्रम के पोर्टल से जब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाए तो उस ओटीपी को आप ई श्रम के पोर्टल पे इनपुट करके उसे वेरीफाई कर सको। दोस्तों ये दो सिंपल चीज़ें यदि आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में आप अपना ई श्रम कार्ड को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, पीडीएफ के क्वालिटी में अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों इसके लिए हमने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी प्रोफेशनल ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि फायरफॉक्स या कोई भी। तो चलिए हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और गूगल का सर्च बॉक्स ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अपना ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमने अपना गूगल का सर्च बॉक्स ओपन किया है। इस सर्च बॉक्स में हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे register.eshram.gov.in। तो चलिए फटाफट से ये एड्रेस हम इस सर्च बॉक्स में टाइप कर देते हैं। दोस्तों आप इस वाले एड्रेस को थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि यही एड्रेस आपको भी अपने गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है। जैसे ही ये एड्रेस लिख के हम सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ई श्रम कार्ड का पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का है। हम यहाँ पे अपना ई श्रम कार्ड को फिर से डाउनलोड करने के लिए आए हैं, तो हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ डाउन होना है और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो है 3 डैश आपको दिख रहा है ना, आप इस 3 डैश पर क्लिक करोगे और यहाँ से ये 3rd नंबर में आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले से रजिस्टर्ड है, तो हम भी तो पहले से रजिस्टर्ड हैं, हम अपना कार्ड डाउनलोड करने आए हैं, तो इसी रजिस्टर्ड वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इस 2nd नंबर में अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस अपडेट प्रोफाइल वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आधार लिंक मोबाइल नंबर इज़ प्रेफर्ड, मतलब जो भी नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो रखा है वो नंबर आपको यहाँ पे देना चाहिए बता रहा है। तो फटाफट से इस वाले बॉक्स में हम अपना वही नंबर टाइप कर देते हैं जो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो चलिए दोस्तों अपना नंबर हम फटाफट से यहाँ पे टाइप कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करोगे तो ये ऑटोमेटिक कैप्चा वाले कॉलम में आ जाता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो दोस्तों, ये कैप्चा को, इस वाले कैप्चा को सेम इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। जैसे अल्फाबेटिक है तो अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल और स्मॉल लेटर है तो स्मॉल। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये वाला कॉलम का जो है कॉपी करके हम इसमें टाइप कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सेम कंटेंट यहाँ पे भी टाइप कर दिए हैं। अब ये दोनों कंप्लीट करने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे ग्रीन वाला सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही करोगे तो यहाँ पे ओटीपी वाला कॉलम आ जाएगा और ऊपर में आप देख सकते हो हमारा ओटीपी भी आ चुका है। तो यहाँ से मैसेज में जाएंगे और इस वाले ओटीपी को कॉपी कर लेंगे और वापस से अपने पेज पे जाएंगे और इंटर ओटीपी वाले कॉलम पे क्लिक करके अपना ओटीपी जो भी कॉपी किया है मैसेज से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन वाला सबमिट का बटन दिख रहा होगा। दोस्तों सिंपली आपको इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधार नंबर मांग रहा है और यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं। 3 कॉलम मतलब क्यों, आधार नंबर मुख्यतः 4 अंक के होते हैं, 12 अंक के होते हैं, तो 4 अंक के तीनों में लगेंगे तो 12 डिजिट पूरा हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर जो है तीनों में डाल देते हैं अपना आधार वाला। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अपना यहाँ पे आधार नंबर इनपुट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट तीनों खाने में हो चुका है, तीनों कॉलम में हो चुका है। यदि आपको कन्फ्यूज़न है कि नंबर सही है कि नहीं है तो यहाँ पे आप ये आई वाला बटन दिख रहा होगा ना, इस आई वाला आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये 4 लेटर तीनों कॉलम में आपको दिख जाएगा जो कि आपका आधार का नंबर है, आप इसे मैच कर लेना। इसके बाद 2nd वाले ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो ये है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है कि यदि आपके मोबाइल में आपका फिंगरप्रिंट सिस्टम है तो आप अपने आधार को अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट पर अपना फिंगर लगा के अपने आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये दूसरा में है आईडीस। आईडीस का क्या मतलब होता है दोस्तों, किसी के पास होता नहीं है, वो जो केवाईसी करने वाले होते हैं ई मित्र वाले उसके पास ही होता है, वो आंख में लगा के आई का जो है स्कैन किया जाता है, इसीलिए हम इसको आईडीस बोलते हैं। वो तो हमारे पास होगा नहीं,
तो हम सिंपली ये थर्ड वाला ऑप्शन अपनाएंगे, ओटीपी। ओटीपी का क्या मतलब है, जैसे ही ओटीपी देंगे ना, ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और बहुत ही आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। तो हम ओटीपी वाला पे ही क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद कैप्चा फिर से मांगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही वाला सेम चीज़ इस वाले कॉलम में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों, ये वाला कॉलम का कंटेंट इसमें हम कॉपी कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस कॉलम का जो भी चीज़ था इसमें हम टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रीसेट के बगल में सबमिट का ऑप्शन दिखता होगा, आपको सिंपली इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे प्लीज वेट दिखा रहा है, जैसे ही कुछ देर आप वेट करोगे ना तो एक और ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को यहीं से कॉपी कर लेना है दोस्तों और प्लीज इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में क्लिक करोगे और उस ओटीपी को पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और इस वाली डेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाली डेट वाले ग्रीन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आईडी मैंने डाला था, आधार नंबर डाला था ना, उसी आधार का यहाँ पे नेम आके वेलकम अमित यादव लिख रखा है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड यूएएन कार्ड। यदि आप अपने किसी भी डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी अपडेट नहीं करेंगे, सिर्फ यूएएन कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ ये सेकेंड वाला जो डाउनलोड यूएएन कार्ड है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारा ई श्रम कार्ड जो है ये फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जो कि बहुत ही क्लियरली दिख रहा है हमें। फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों कार्ड को देखने के बाद यदि आपको लगे कि नहीं ये हमारा ही ई श्रम कार्ड है, तो अब बारी आती है इसको डाउनलोड कर लेने की दोस्तों। तो डाउनलोड करने के लिए जो है आपको ये ग्रीन वाला बटन डाउनलोड यूएएन कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहीं पर सिंपली क्लिक करके आप अपने यूएएन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो है हमारा यूएएन कार्ड फ्रंट भी और बैक भी पीडीएफ के फॉर्मेट में बड़ा ही हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमें कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, यदि आप इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें।